डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। मेरठ के गोपाल प्लाजा में चल रहे फर्जी मैरिज ब्यूरो का पर्दाफाश होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ब्यूरो में नौकरी पर रखी गई महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहा था। इस पूरे षड्यंत्र में शास्त्री नगर निवासी नीरज गर्ग, मुजफ्फरनगर निवासी नेहा गुप्ता और मौदीपुरम निवासी पौरस गोयल शामिल हैं। मेडिकल थाना क्षेत्र में इनका ये फर्जी मैरिज ब्यूरो पहले भी पकड़ा जा चुका है, लेकिन इन्होंने दोबारा गोपाल प्लाजा में जाकर इस फर्जी ब्यूरो को फिर से चलाना शुरू कर दिया और महिलाओं पर नौकरी करने का दबाव बनाया ताकि उनका शोषण किया जा सके। नितिन बालियान पीड़ित महिलाओं के साथ बीती 24 जनवरी को भी SSP ऑफिस पहुंचे थे, जहां उनको कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अभी तक कार्रवाई ना होने पर वो अपने समर्थकों और पीड़ित महिलाओं के साथ आज फिर से SSP कार्यालय पहुंचे। सुनिए नितिन बालियान से मिली जानकारी। देखो, मेरा नाम नितिन बालियान है, राष्ट्रीय अध्यक्ष गोरक्षा सेवा समिति। हम एक सप्ताह पहले भी कप्तान साहब से मिले थे। अभी आपने देखा होगा कि मेडिकल के सामने एक फर्जी मैरिज ब्यूरो बंद हुआ था, जहां से करीब 11 से 15 लड़कियां बरामद हुई थी और वहां पे बहुत ज्यादा फर्जीवाड़ा महिलाओं को लेकर चला हुआ था। हमारे साथ 4 महिलाएं हैं। इन महिलाओं के साथ एक के ऊपर बलात्कार करने के बाद एसिड फेंका गया है और 3 महिलाओं के साथ भी बदतमीजी, फर्जीवाड़ा और इनका मानसिक और यौन शोषण वहाँ पे हुआ है। इन लोगों ने करीब 15 दिन पहले से मेडिकल थाना में अपनी तहरीर दी हुई है और तहरीर देने के बावजूद भी अब तक 15 दिनों में थाना मेडिकल ने कोई संज्ञान नहीं लिया है, कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया हुआ। और ऊपर से अगर ये जाती हैं तो थाना मेडिकल में दरोगा इन्हें डराती और धमकाती हैं, समझौता करने का दबाव इन पर बनाया जाता है। एक सप्ताह हो चुका है, कप्तान साहब ने आश्वासन दिया था कि जांच होने के बाद मुकदमा दर्ज कराएंगे। एक सप्ताह के अंदर इन्हें अब तक जांच के लिए बुलाया नहीं गया, इनका मेडिकल नहीं कराया गया। तो आज हम सब लोग थाना ऐसे कप्तान साहब से कहने जा रहे हैं कि इस प्रकार जो महिलाओं पे ये सरकार बात करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, अगर बेटियों के साथ महिलाओं के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार होगा, थाने में इनकी बात नहीं सुनी जाएगी, थानों से इन्हें भगाया जाएगा और बाहर जो अपराधी है वो थाने में बैठकर चाय पीता मिलेगा। तो हम सामाजिक संगठन के लोग एक बड़ा आंदोलन करने का काम करेंगे और जब तक नीरज गर्ग गिरफ्तार नहीं हो जाता है हम एक बड़ा आंदोलन करने की घोषणा करेंगे। अच्छा, हुआ क्या था? हमारे साथ देखो, पहले रेप होने के बाद सब मेरे पे एसिड फेंका गया था। एसिड फेंकने के बाद मुझे धमकाया गया था कि घर से बाहर निकलोगी तो तुम्हारी फैमिली को, तुम्हारे घर वालों को हम मार डालेंगे। मुझे धमकी इसलिए मैं 3 दिन से घर पे नहीं निकली, मेरे पे एसिड फेंका गया है, जलाई गई हूँ और अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। नीरज गर्ग है, नेहा गुप्ता, पौरस गोयल है, 3 जने थे, उन लोगों ने एसिड भी फेंका मुझे और मेरे कपड़े उतारे, मेरे जो गुप्त अंगांग ये हैं इनमें फेंका गया है और इसकी हमारे पास फोटो भी है। वहाँ पर जॉब करते थे जब वो मेडिकल थाने में था भी? हाँ, हम पहले वहाँ पे जॉब करते थे, लेकिन जब रेट पड़ी तो हम लोगों ने वहाँ से जॉब छोड़ दी। जॉब छोड़ने के बाद हम लोग घर में थे तो नीरज गर्ग का हम लोगों के पास बार बार दूसरे के प्रति समझो वो आता है, मैसेज आता है कि यहाँ पे नौकरी कर लो, हमने नौकरी करने के लिए इनकार कर दिया। तो फिर हमारे पे काफ़ी दबाव डाला गया, इतना दबाव डाला गया कि फिर हमें आने के लिए हमने मजबूर कर दिया उसने, लेकिन हम नहीं गए तो उसने हमें हमारा पीछा करना शुरू कर दिया कि ये लोग कहाँ पर जाते। जैसे भी हमें अलग अलग देखा उसने तो वहीं हमें पकड़ के किसी का रेप करा उसने, किसी पर एसिड फेंका, किसी के और घर घर जाता है सबके, घर जाता है सबके, घर जाने के बाद हमारे घर वालों को। हाँ, पहले हमारे साथ सब कुछ हुआ है, बिल्कुल जी पहले हुआ था, लेकिन हम डर के मारे चुप रहते थे ताकि ये हमारे घर वालों को नुकसान ना पहुंचाए या हमें खुद शर्मिंदी, मतलब एक शर्मिंदी एक लेडीज को शायद
आपसे ज्यादा इस चीज को कौन जानता है कि एक लेडीज के साथ जब ये हो जाता कितनी शर्मिंदगी होती है उसके साथ, तो हम इसलिए चुप थे। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी और हाँ चैनल को लाइक करना व सब्सक्राइब करना ना भूलें। वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ।